एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सीट कुरी में एक साथ बैठे हुए होते थे। अचानक से कुरी में कहने लगती है, असल में स्प्रिट ऑफ ओरिजिन जैसा कहा मैंने वैसा किया, हजारों लोगों की जान ले ली, उसके साथ ही मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड की भी जान ली, उसके साथ ही मैं एक शैतान हो गई हूँ जो पीछे मुड़के नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि जो स्प्रिट ऑफ ओरिजिन को मैं तुम्हारी पावर की मदद से मार सकती हूँ, और यदि मैं उसको मारती हूँ तो मैं सभी चीजें मतलब स्प्रिट का खेल और डीएम का जो खेल है मैं उसको खत्म कर सकती हूँ। और दिखाया वो कहने लगते तो प्लीज मुझे तुम्हारा पावर दे दो, असल में मैं तुम्हारे पावर के साथ इस दुनिया का मतलब इस दुनिया के इतिहास को फिर से बदल सकती हूँ, इसलिए प्लीज मैं तुम्हारा पावर चाहती हूँ, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे पावर दे दो। वो खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और कहने लगती है, सीडो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके सिवा अचानक से वो अपने कपड़े उतार के कहने लगती है, तो तुम मेरे साथ जो भी करना चाहो कह सकते हो। तभी सीडो उसको देख के ब्लस करने लगता है और मैं अगले में दिखा अचानक से वहाँ पर बहुत सारी निबेल क्लोन चली आती है जो डीएम का चीज़ें वगैरह होती है, और मैं दिखा अचानक से वो कहने लगती है, माफ करना हम लोग इस समय आए जहाँ पर तुम सेक्स करने वाले थे। और मैं अगले में दिखा जाता है सीडो उसको देख के कहता है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और मैं दिखा जाते निबेल क्लोन आंसर में कहने लगती है, तो हम लोग तुम्हें मारने आए हैं। अचानक से वो सभी जो निबेल क्लोन वगैरह होती थी वो अचानक से हमारे सीडो के ऊपर हमला करने लगती है, और अचानक से वहीं पर हमारे कुर्मी थे वो कहने लगती है, अफसोस की बात है तुम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकती। अचानक से वो अपने एंजल की मदद से सभी स्पीड को मारने लगती है, और अचानक से वो सभी स्पीड को एक जगह पर मतलब एक टाइम कन्फ्यूजिंग लिमिट के अंदर रोक देती है। अचानक से मिट्टी के नीचे से बहुत सारे कुर्मी के क्लोन आते हैं जिसको इसके कारण वो सारे स्पीड को नीचे ले जाते हैं। तभी सीडो कहने लगता है, तो कुर्मी सब क्या है, और अचानक से हमें दिखाया अचानक से कुर्मी जो होती है वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। और मैं अगले से दिखाया जो हमारा सीडो था वो कहने लगता है, कुर्मी क्या तुम ठीक हो, और मैं दिखाया अचानक से वहीं पर उसके सामने अचानक से जो 5 साल पहले वाली कुर्मी वहाँ पर चली जाती है और कहने लगती है, तो सीडो सान और दिखाया जाता है वो कहने लगती है, तो ये कुर्मी ने वो बहुत कुछ कर लिया है तो इसलिए उसको सभी आराम करने दो। तभी सीडो कहने लगता है कि असल में ये सब क्या हो रहा है, और दिखाया तो वो कहने लगती है, असल में सीडो सान तुम जो हो वो असल में अभी तक मर चुके हो, मतलब तुम अभी तक जिंदा नहीं हो। असल में मुझे पता है तुम्हें ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ आखिरकार तुम मर चुके हो। और अगले इसमें दिखाया तो वो कहने लगती है, तो तुम्हें पता है तुम्हें याद होगा ही जो तुम उस दिन हमारी कुर्मी को उसका सर के बारे में पूछने गए थे छत के ऊपर। तो तभी अचानक से हमें दिखाया जाए वहीं पर ही कोई अचानक से सीडो के ऊपर हमला करता है, और हमें दिखाया जाए अचानक से सीडो वहीं पर बेहोश गिर जाता है। तभी कुर्मी कहने लगती है, तो ये किसने किया, और अचानक से वो आसमान में देखने लगती है आसमान में, और कोई नहीं हमारा एलर्सन होती है। और हमें दिखाया अचानक से वहीं पर ही हमारे सीडो का जो जख्म था वो अचानक से हिल होने लगता है। हमें दिखाया जाते उसके चारों तरफ हमारे तोका और बाकी सब लोग अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में चले आते हैं सीडो को बचाने के लिए। तभी अचानक से वहीं पर बहुत सारे निबेल क्लोन चले आते हैं सीडो के ऊपर हमला करने के लिए, इसके कारण हमारे कागुया एजुरु थी वो अचानक से कहने लगती है, हम लोग तुम्हें सीडो के ऊपर हमला नहीं करने देंगे। और दिखाया अचानक से हमारे जो ओरियामी थी वो अचानक से अपने एंजल को सुमन कर देती है, इसके साथ ही अचानक से वो सभी मतलब सभी स्पीड के ऊपर अटैक करने लगती है। और हमें अगले इसमें दिखाया अचानक से हमारे तोका होती है वो भी सभी स्पीड को एक एक करके मार रही होती है। तभी अचानक से हमारी जो कुर्मी थी वो गुस्से में चली आती है और कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अचानक से वो अपने एंजल जाटकेल को सुमन करके हमारी मतलब हमारे एलेंटर की तरफ अटैक करने लगती है, लेकिन अचानक से वहाँ पर साइड में से आस्टे में से चली आके उसके एक हाथ को काट देती है, और तभी अचानक से उसके हाथ में से बहुत सारी ब्लीडिंग होने लगती है। और अगले में दिखाया अचानक से एलेक्सन कहने लगती है, तो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और मैं दिखा अचानक से जो सीडोसन होता है वो अचानक से अपने होश में चला आता है और वो कहने लगता है, तो ये सब क्या हो रहा है, अचानक से वो पीछे मुड़ के देखने लगता है। और हमें तभी दिखाया जाता है हमारे जो एलेक्सन होते हैं वो अचानक सीडो के ऊपर अटैक कर देती है, उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देती है। और हमें इंग्लिश में दिखाया अचानक से हमारी कुर्मी होती है उस जगह से भाग के चली आती है, और तभी हमें दिखाया उसके जो क्लोन होता है वो उसके हाथ को लेकर आया होता है, और दिखाया जाता है कुर्मी वो क्लोन कहने लगती है, तो ये लो तुम्हारा हाथ। और दिखाया है कुर्मी अपने ऊपर अपना एंजल को इस्तेमाल करती है। तभी अचानक से उसके जो हाथ होता है वो फिर से रिकवर हो जाता है। और हमें अगले से भी दिखाया जाते उसी जगह पर वहाँ पर बहुत सारे तबाही हो रही होती है, और हमें दिखाया जाता अचानक से कुर्मी कहने लगती, तो बहुत सारी स्पीड असल में एक इन्वर्स फॉर्म में आ चुके हैं। और हमें दिखाया जाते और कहने लगते क्योंकि उसके आंखों के सामने सीडो मरा है। और हमें दिखाया अचानक से उनके मतलब हमारे कुर्मी के सामने और दो कुर्मी के क्लोन सुमन होते हैं, और हमें दिखाया जाता है उनके हाथों में सीडो का सर और सीडो का बॉडी होता है। और हमें दिखाया अचानक से हमारे जो कुर्मी जो होती है वो सीडो के ऊपर अपने गन से फायर करने लगती है, और हमें दिखाया अचानक से सीडो का जो सर होता है वो अचानक से अपने बॉडी से जुड़ जाता है। और हमें दिखाया उसके साथ ही कुर्मी कहने लगती है, सीडो सन प्लीज उठ जाओ। और हमें दिखाया अचानक से जो सीडो सन होता है उसके अंदर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं होता, और हमें बता दें सीडो सन अभी मर चुका होता है। और अगले सी में बहुत सारे स्पीड कहने लगते हैं जैसे कि हमने सोचा था, हमें जो हमारा अंजलि है वो असल में टाइम को पीछे कर सकता है, लेकिन मरे हुए आदमी को फिर से जिंदा नहीं
नहीं कर सकता है। और मैं दिखा देवल को सुनते ही हमारे जो कुर्मी थी बहुत दुख में चली गई थी और अचानक से वो चिल्लाते हुए रोने लगती है, कहती है ये सब मेरे से क्या हो गया। और मैं अगले से दिखा अचानक से वो इमोशनल होकर सीढ़ी को किस कर लेती है। तभी अचानक से उसको याद आता कि यदि वो सीढ़ी को किस करेगा तो उसकी एंजल की पावर सील हो जाएगी। तभी अचानक से वो अपने एंजल जाटकेल को सुमन करने लगती है, जिसके कारण वो उसके जो एंजल होते हैं वो भी सुमन हो जाता है। और अगले से वो पीछे मुड़ के देखती है, उसका एंजल में कुछ चेंजेस होते हैं। देखती है उसका जो 6 नंबर वाला बुलेट था वो फिर से रिबूट हो चुका है, मतलब ये वो बुलेट है जिसके कारण कोई भी इंसान टाइम के पीछे जा सकता है। हमें पता चलता है जब हमारी जो कुर्मी है वो हमारे सीढ़ों को किस किया था, तभी हमारे कुर्मी पावर सील होने की वजह हमारी जो कुर्मी पावर और ज्यादा बढ़ गई है। और मैं अगले इसमें दिखाया अचानक से वहीं पर ही जिनके से दिखाया था सीढ़ों कहने लगता है तो क्या वो हर चीज़ें मैंने किया है। और मैं दिखाया था उसके जो छोटे वाले कुर्मी होते हैं वो कहने लगते हैं हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि उस बुलेट को सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने तो उसको पहले यूज कर लिया था असल में ओरिगेम की लड़ाई में। और मैं अगले इसमें दिखाया अचानक से कुर्मी जो होती है वो अचानक से कहने लगती है तो मैंने जब सीढ़ों से किस किया तो मेरी पावर वापस आ गई सील होने की वजह है। और मैं दिखा देता है वही मेरी कुर्मी कहने लगती है तो क्या मेरे सभी क्लोन क्या तुम मेरी मदद करोगे सिचुएशन को बचाने के लिए। तो उसके सारे क्लोन कहने लगते हैं हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, कोई बात नहीं, असल में हम लोग सिचुएशन के लिए कुछ भी करेंगे क्योंकि हमारी जिंदगी वैसे भी नर्क में है तो और हम लोग तुम्हारी एक हिस्सा है तो इसलिए हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। तो बेचारे से कुर्मी कहने लगती है तो सो तुम सभी लोगों का शुक्रिया, तो चलो मेरे क्लोन्स चलो हम लोग कभी ना खत्म होने वाली मौत के खेल को फिर शुरुआत करते हैं। और दिखाई देना कहते हैं अचानक से बा अपने ऊपर अपने एंजल से एक बुलेट को फायर करती है। और दिखाया अचानक से वो पास्ट में चले जाते हैं जहाँ पर वो सोई हुई होती है। और दिखा अचानक से वहीं पर हम जो कोई भी होते हैं वो अपने मोबाइल फोन में असल में डेट को देखने लगती है आज कौन सी तारीख है। तभी अचानक से वो देखती है आज असल में 8 फरवरी है, जिसके कारण वो कहने लगती है तो आखिरकार मैंने उसको बदलने में कामयाब हो गई। और मैं दिखा दे प्रेजेंट का सीन वहीं पर ही कुर्मी कहने लगती है असल में पहला जो खतरा था उसको तो माना नहीं, मैं तुम्हारी छोटी बहन ने क्लियर कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी DM ने तुम्हारे पर बहुत बार मारने की कोशिश की, लगभग 204 बार तुम्हें मारने की कोशिश की और सभी चीज़ों को कुर्मी ने रिवर्स किया है। और मैं दिखाया तो वो कहने लगती है जो तुम्हें समझ में आ गया होगा इसलिए मुझे लगता है कि तुम इसको अभी आराम करने दो। बेचने सीढ़ो कहने लगता आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम तो मुझे मार के मेरी स्पिरिचुअल पावर को ले सकती थी, मतलब ये कि तुम्हारे लिए तो 204 बार इस दुनिया को रिपीट करने से तो ज़्यादा अच्छा होता, तुम मुझे मार के मेरी स्पिरिचुअल पावर को ले सकती थी। और मैं दिखा अचानक से छोटी वाली कुर्मी कहने लगती है हाँ लेकिन मैं कर सकती, लेकिन फिर भी कुर्मी के अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, जिसके कारण हमारे सीढ़ो की बात को सुन के हमारे जो सीढ़ो था वो अचानक शर्माने लगता है। और मैं दिखा अचानक से जो बड़ी वाली कुर्मी थी वो अचानक से होश में आके हमारे छोटी वाली कुर्मी के ऊपर अचानक से गन से बुलेट से फायर करती, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। और अगले से दिखा देते सीढ़ो कहने लगता है असल में कुर्मी तुम ये क्या कर रही हो। और मैं अगले से दिखा देते बड़ी वाली कुर्मी कहने लगती है ये जो छोटी वाली मैं हूँ वो असल में तुमसे एक बकवास कर रही थी, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी बातें खत्म हो चुका है इसलिए मुझे माफ़ कर देना सीढ़ो, और तुम मुझे गलत मत समझ रहे असल में मेरा जो इरादा था वो असल में तुम्हारे पावर को सील करना था, यदि तुम मर जाते हो तो जो तुम्हारे पावर है वो असल में मेरी किसी काम की नहीं है इसीलिए मैं तुम्हें बार बार बचा रही थी। और मैं दिखा रहा था सीढ़ो कहने लगता है तो ठीक है मैं समझ चुका हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। और मैं अगले से दिखा रहा था अचानक से हमारी कुर्मी और जो बड़ी वाली कुर्मी थी वो अचानक से वहाँ से जाने लगते हैं। और अगले सीन में सीढ़ो कहने लगता है तो कुर्मी मैं तुम्हें बचाऊंगा। और मैं अगले से दिखा अचानक से कुर्मी जो होती है वो कहने लगती है तो तुम वहाँ पर बातें क्यों कर रही थी। और मैं दिखा रहा छोटी वाली कुर्मी होती है वो कहने लगती है असल में इस समय प्रॉब्लम क्या है असल में क्योंकि मुझे पता है तुमने सीढ़ो को बचाया था उसके साथ ही तुमने मैं तुम्हारे अंदर उसके लिए कुछ फीलिंग्स वगैरह है और तुम उसके लंगा होकर सोई हो उसके बारे में क्या, मैंने तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा अभी तक, क्या वो यदि ठीक हो सकता है तो मैं इसको प्यार के बारे में बताऊंगी तो इसकी क्यों ठीक नहीं हो सकता, तो तुम मुझे बता हमने उसको कितनी बार बचा है, तो इसीलिए मैंने उसको सारा सच बता दिया है तो असल में इसमें गलत क्या है। और हमें दिखाया जाता है कुर्मी पीछे मुड़कर कहने लगती है मुझे लगता है उसने गलत समझा होगा। और हमें दिखाया अचानक से जो छोटी बड़ी कुर्मी है वो हंसने लगती है और कहने लगती है क्या वो भी तुम्हें गलत समझेगा, ये बिल्कुल गलत है। और हमें दिखाया जो बड़ी बड़ी कुर्मी होते वो थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। और तभी अचानक से हमें दिखाया उसके सारे क्लोन्स होते हैं वो कहने लगते हैं तो हमें आगे क्या करना चाहिए। और हमें दिखाया अचानक से वो कहने लगते हैं क्योंकि अभी जो DM वो अचानक सीढ़ों की ओर हमला करेगी और हम लोग को उसको रोकना होगा। और हमें दिखाया बड़ी वाली कुर्मी कहने लगती है तो ठीक है हमें उसको रोकेंगे। अचानक से हमें दिखाया वहाँ पर आसमान में प्लेटून सभी चीज़ों को देख रहे होते हैं, इसी कारण वहाँ पर जो सभी कुर्मी के स्प्रिट होते हैं वो सभी लोग उसको देखने लगते हैं और कहने लगते हैं प्लेटून। हमें दिखाया अचानक से कहने लगती है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा मकसद अभी मरने का है। और इतने कहते हैं अचानक से वो सारे कुर्मी के क्लोन्स उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन हमारे जो प्लेटून थी वो अचानक सभी मतलब सभी हमलों से बस्ती वहाँ से भाग रही होती है।
और अचानक से वहीं पर हमारे रेल वाली कुर्मी थी, अचानक से अपने गन से एक गोली को शूट करती है, जो गोली सीधे आके हमारे प्लेटून का लगता है और वहीं पर ही स्टॉप हो जाती है। और मैं अगले में दिखा जो सारी कुर्मी थी वो अचानक से उस प्लेटून के ऊपर हमें अपने गन से बल अपने एंजल से हमें लगाने लगते हैं। तभी अचानक से वो सारा गोली हमारे प्लेटून को लग रहे होते हैं और दिखा देते जो प्लेटून थी वो अचानक से अपने रियल फॉर्म में चली जाती है और हमें दिखा वो अचानक से नीचे गिर जाती है और कहने लगती है तो मैंने अपने कवच को खो दिया है। तभी अचानक से कुर्मी कहने लगती है तो ये तुम्हारा असली अवतार है, मैंने सही कहा ना। और हमें दिखा अचानक से वो प्लेटून कहती है हाँ, हमें दिखा वो प्लेटून और कोई नहीं हमारे निशान थी जो सभी लोग को स्पिरिट बना रही थी। और अचानक से हमें दिखा दे कुर्मी को देख के हैरान होती कहती है तो रही ने। और हमें दिखा अचानक से कुर्मी कहने लगती है तो मैं सब कुछ समझ में आ गया है। और हमें दिखा अचानक से वो कहने लगती है तो सारी क्लोन्स बाहर चले आओ। और हमें दिखा अचानक से वो सारी जो क्लोन होती है वो हमारे निशान को मिट्टी के अंदर खींचने लगती है। अचानक से कुर्मी कहने लगती है तो तुम जैसे लोगों का जो जगह है वो असल में नर्क में है। और हमें दिखा अचानक से वहीं पर जो सीडो होते हैं वो अचानक से फैंक्सिस के अंदर मतलब टेलीपोर्ट हो जाता है। और हमें दिखा अचानक से सारी जो स्पीड थे उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और हमें अगले में दिखा अचानक से सीडो कहता है तुम चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमें अगले में दिखा था सीडो कहने लगता है असल में हमें कुर्मी को मदद करना चाहिए क्योंकि उसने मेरे दोस्त से चार बार मदद की है। तो कुतरी रेन को पूछने लगती है तो कुर्मी अभी कहाँ पर है। और हमें दिखा था रेन कहने लगती है तो असल में मुझे पता नहीं कुर्मी मिसिंग है। और हमें दिखा था रेन निशान उसी फैक्सिस के अंदर बैठी हुई है जबकि जो कुर्मी है उसको मिट्टी के अंदर नर्क में ले गई थी। सीडो कहने लगता है मुझे तुम सभी लोग को मैंने एक चीज बतानी है। और हमें दिखा था वो सारी चीजें हमारे जो रेनेसान थी वो नोटिस कर रही होती है। अचानक से सीडो कहता है तो अभी मेरी बारी है कुर्मी को बचाने के लिए। और हमें दिखा था अचानक से उसके साथ ही हमारे जो डेड लाइफ का सीजन 4 का स्टोरी लाइन था वो यहीं पर एंड हो जाता है। तो अभी तक हमारे सीजन 5 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। असल में मुझे लगता है जो रिलीज होगा वो उसका डेट शायद 2023 या 2024 में रिलीज होगा। तो तब तक के लिए हम सभी लोगों को वेट करना पड़ेगा इसके सीजन 5 के लिए। जब वो आएगा हम लोग उसको एक्सप्लेनेशन जरूर करेंगे। और तो गाइस आज की वीडियो देते हैं तब मिलते अगले वीडियो में। यदि कोई हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग न्यू एनिमे के एक्सप्लेनेशन रोज लाते रहते हैं। सो गाइस यदि आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। एक नया एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी लोगों को सेवनारा गाइस।